हाय एवरीवन, होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे इडली और दोसा, स्पॉन्जी इडली और क्रिस्पी दोसा एक ही बैटर से कैसे बनाएंगे। हमको बहुत जन पूछ चुका है, मैडम कैसे आप इतना स्पॉन्जी इडली बनाते हैं, उसी बैटर से दोसा भी बनाता है, प्लीज़ उसका रेसिपी आप डाल दीजिए। तो इतना रिक्वेस्ट आने का बाद में हम सोचा ये रेसिपी जल्द से जल्द आपका सामने डाल देंगे। तो आज देखिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कैसे इतना अपना बैटर फुला हुआ है। बहुत जन बोल चुका है ये बैटर का फर्मेंटेशन ठीक से होता नहीं, तो आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए, वो मैंने बैटर फूलने का वो डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर में। गर्मी का मौसम होने से वो 7-8 घंटे में फर्मेंटेशन हो जाता है, थोड़ा मौसम ठंडा होने से उसी में थोड़ा लेट हो सकता है, तो ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें है सेम बैटर से आप सॉफ्ट इडली, क्रिस्पी दोसा और उत्तपम, मसाल दोसा, वैराइटीज ऑफ दोसा और इडली आप ये सेम बैटर से बना सकते हैं। तो आज ये रेसिपी फुल वीडियो आप लोग देख लीजिए, स्टार्टिंग से पूरा देख लीजिए और एक एक स्टेप आप फॉलो कर लीजिए। तो ये अभी मेजरमेंट हम दिखा रहे हैं, मैंने नॉर्मल हम लोग मिक्सर में, नॉर्मल हम लोग का मिक्सर में कैसे बनाते हैं, तो वही रेसिपी ग्राइंडर में और थोड़ा चेंज होता है, इसलिए ये सेम रेसिपी आप मिक्सी के लिए फॉलो कर दीजिए। पहले हम लोग चावल ले लेंगे। इडली बनाने के लिए हम लोग को ऐसे मोटा मोटा दाने वाला इडली राइस मिलता है, वो चाहिए। दोसा के लिए आप लोग जो भी चावल ले लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन इडली जब बनाएगा ऐसे वाला चावल से बना लीजिए, इडली एकदम सॉफ्ट नरम बन जाएगा। तो ये चावल आपको सुपरमार्केट में नहीं तो ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। भी एकदम 2 कप मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट होना है, 2 कप चावल ले लीजिए, 2 कप चावल। अभी हम लोग बीरी ले लेंगे। बीरी एकदम स्प्लिट वाला नहीं, गोटा वाला ले लीजिए, सबसे अच्छा वही होता है। तो गोटा वाला बीरी, मैंने चावल हम लोग 2 कप लिया है, तो बीरी हम लोग 1 कप ले लेंगे और हम लोग को 1 टेबलस्पून मेथी भी चाहिए। मेथी हेल्थ के लिए अच्छा होता है और अपना दोसा जब बनाता है उसको अच्छा कलर देता भी है। अभी चावल को हम अच्छा से धो के पानी डाल के रखा है और जैसे बीरी को भी मेथी को भी अच्छा से धो के पानी डाल के रख दीजिए। तो मेथी में पानी डाल दिया और बीरी को क्या करना है, बीरी को अच्छा से धोने का बाद में 2-3 बार धो देंगे और उसके बाद में जितना पानी डाल के रखेंगे ये पानी हम लोग चावल पीसने का टाइम पर यूज़ करेंगे। तभी तीनों हम लोग धो के पानी डाल के रखा है, ये 5-6 घंटा ऐसे रख दे देंगे, उसका बाद में हम लोग इसको अच्छा से पीस लेंगे। अभी 6 घंटा पूरा कंप्लीट हो चुका है, अपना बिरी चावल सब रेडी है। तो अभी क्या करेंगे, पहले बिरी का पानी हम लोग निकाल के रखेंगे पीसने के लिए। इसका पानी हम लोग निकाल के एक बर्तन में हम रखा है, ये पानी से हम लोग बिरी और चावल अच्छा से पीस लेंगे। बिरी हम लोग एक ग्राइंडर में डाल के एक ही साथ में डाल देंगे, 1 कप बिरी है तो एक ही साथ में हो जाएगा, आप लोगों से नहीं होगा तो 2 बार करके उसको पीस लीजिए। तो उसमें क्या करना है, हम लोग जो पानी रखा है तो वही पानी से हम लोग पीस लेंगे। पहले हम 1 कप पानी निकाल देते हैं, उसी में से 1/2 कप इसी में डाल देंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा पतला बैटर बनाना है, थोड़ा मोटा नहीं है, तो 1/2 कप डाल के पहले हम लोग पीस लेंगे। बिरी एक तो अच्छा से पूरा फाइन पेस्ट बना लिया है, देखिए इसको हम लोग एक बर्तन में निकाल देंगे, देखिए उसका कंसिस्टेंसी आप देखिए, अभी हम लोग चावल को भी पीस लेंगे। चावल तो हम लोग 2 कप लिया है तो एक ही साथ में नहीं होगा, 2 बार करके
आप पीस लीजिए। उसका साथ में क्या करना है, हम लोग जो मेथी जो रखा है उसका आधा आधा करके उसमें मिला के पीस लीजिए। पानी हम लोग जो बीड़ी का जो पानी है वही वाला पानी यूज़ करेंगे। वही पानी यूज़ करने से फर्मेंटेशन अच्छा से होता है और अपना इडली जो है अच्छा से नरम भी हो जाता है। अभी चावल भी हम लोग पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट उसको बनाना है। अभी बाकी जो चावल है उसको हम लोग पीस लेंगे, उसी में चावल और मेथी, और इसी में हम लोग और एक चीज़ भी ऐड करेंगे, वही है हम लोग का जो चावल जो हम लोग 12 बजे जो खाना जो बनाते हैं वही चावल, कोई भी चावल आप लोग बनाते हैं वही चावल उसको 3/4 कप उसी में ऐड कर लीजिए। मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट होना है, 3/4 कप ऐड कर लीजिए और वही वाला पानी यूज़ करना है, उसको एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। ये चावल भी हम लोग पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है, उसको भी वही डाल दीजिए। देखिए उसका कंसिस्टेंसी ऐसे पतला होने से भी कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा से पीस लीजिए आप एक बार। और इसी में याद रखिए, मैंने ग्राइंडर गरम नहीं होना है, गरम होने से इडली अच्छा सॉफ्ट नहीं बनता है। तो ग्राइंडर आप लोग का गर्म होता है तो एक काम कर लीजिए, वो पानी आप लोग थोड़ा फ्रिज में ठंडा करके वो ठंडा पानी से आप पीस लीजिए। ग्राइंडर गर्म होने से भी आप लोग का इडली अच्छा नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा पानी हम ऐड कर लिया, थोड़ा पतला बैटर बनाने से भी कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, हम लोग अभी हम दिखाने जा रहे हैं। ये चावल बीरी सब हम लोग अच्छा से पीस लिया है, अभी क्या करना है इसमें नमक ऐड करना है। आप लोग पहले ऐड कर लीजिए, नहीं तो बनाने के टाइम ऐड कर लीजिए, उसी में कुछ ही फ़र्क नहीं होता। तो हम पहले ऐड कर लेते हैं, तो नमक ऐड कर लीजिए और अपने हाथ से हाथ को अच्छा से साफ कर लीजिए, अपना हाथ से नहीं तो चम्मच से अच्छा से बैटर को बीट करना है ताकि उसमें अच्छा से एयर फॉर्मेशन एयर बबल्स फॉर्म हो जाएगा। जैसे हम लोग केक में केक का बैटर जैसे हम लोग बीट करते हैं सेम आप लोग इसी में भी फॉलो कर लीजिए। तो जैसे हम दिखा रहे हैं ऐसे आप लोग अपना हाथ से 5 to 10 minutes उसको अच्छा से करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको कभी भी स्किप नहीं करेगा। तो अभी हम जितना स्टेप्स बताया है कैसे चावल को कैसे वाला चावल लेना है और इसमें कैसे पीसना है, बीरी का पानी से पीसना है, कितना पतला पीसना है और अभी बैटर को कैसे बीट करना है, तो इतना स्टेप्स मैंने एकदम आप फॉलो कर लीजिए और बाकी का स्टेप अभी हम दिखाएंगे। तो बैटर हम लोग का रेडी हो चुका है, तो 10 मिनट करने से एकदम अच्छा है। तो आप लोग का क्लाइमेट का ऊपर में भी थोड़ा ये डिपेंड करता है, मौसम ठंडा और गर्म, गर्म होने से जल्दी फर्मेंटेशन होता है, ठंडा होने से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अभी आप लोग देख सकते हैं उसका कंसिस्टेंसी ठीक है। अभी उसको कुछ नहीं करना है, उसको कवर करके फर्मेंटेशन के लिए रखना है। तो वो तो पहले से हम बोल रहे हैं, मैंने क्लाइमेट के ऊपर में वो डिपेंड है। तो हम लोग सुबह के लिए बनाएगा तो 7 बजे रात को शाम को बना के ऐसे रख दीजिए, सुबह तक हो जाएगा। अभी उसको हम कवर करके रख देंगे। अभी 8 घंटा हम बोला था, अभी 9 आवर्स कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ना कल मौसम थोड़ा ठंडा ही था, रात को थोड़ा बारिश हुआ, तो इसलिए हम सोचे और 1 घंटा बाद में हम लोग चेक करेंगे। तो 1 घंटा 9 आवर्स कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग खोल के देखेंगे बैटर कैसे हुआ है, फर्मेंटेशन ठीक से हुआ कि नहीं। अभी देखिए पूरा हम लोग जो बर्तन में रखा था पूरा वो कवर हो चुका है, और ज़्यादा टाइम रखना नहीं, ज़्यादा टाइम और रखेगा तो उसको ज़्यादा खट्टापन हो जाता है, ऐसे में ज़्यादा खट्टा होने से इडली अच्छा नहीं लगता है। तो एकदम बैटर परफेक्ट हो चुका है, अभी हम लोग हम दिखाएंगे कैसे हुआ है बैटर। हम लोग एक चम्मच से उसको थोड़ा निकाल देने से पता चलेगा उसमें कितना एयर बबल्स एयर
बबल्स हो चुका, देखे एकदम फुल जैसा है वो बैटर टू निकालने से। ऐसे होने से अपना इडली अच्छा बनता है, नहीं तो एकदम सॉफ्ट नहीं बनेगा, हार्ड बनता है। तो हम लोग जो कल जो जितना स्टेप्स अभी तक हम लोग जो बोला था वीडियो में, पूरा स्टेप आप फॉलो कर दीजिए, आप भी बना सकते एकदम नरम सॉफ्ट स्पॉन्जी इडलीस। एकदम प्योर वाइट कलर आप लोग को मिलना है तो आप मेथी अवॉइड कर लीजिए, कल ही मैंने उसमें आप इडली बना लीजिए। आप लोग को दोनों बनाना है तो थोड़ा मेथी ऐड करने से सबसे अच्छा, मेथी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अपना बैटर एकदम रेडी। अभी हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करने जा रहे हैं इडली का बर्तन में, थोड़ा सा हल्का से लगा दीजिए, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे करने से क्या होता है, इडली नीचे नहीं पकड़ता है। और आप लोग, मैंने अच्छा वाला सफ़ेद वाला कॉटन का कपड़ा भी डाल सकता है उसे, ऐसे करने से भी इडली बहुत अच्छा बनता है। तो ये दो मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक तो आप लोग मैंने ऑयल अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो कपड़ा डाल दीजिए। तो मैंने हाफ चम्मच जो लिया है उसी में से हाफ पार्ट डाल रहा है। मैंने एक चम्मच निकाल देने से आपका दो इडली का बैटर हो जाएगा। ऐसे तीनों में कर लीजिए, ऐसे डालना है पूरा भर के नहीं, ऐसे। मैंने पूरा इसमें एयर बबल्स भरा हुआ है इसलिए हाफ चम्मच डालने से पूरा भर जाता है। तो इतना हो गया और नेक्स्ट स्टेप पे उसको स्टीम करना है। अभी इडली कुकर में जो पानी रखा था एकदम बॉईल हो रहा है, उसी में अभी क्या करना है, अभी हम लोग इडली जो रैक है उसका उसी में रख देंगे। अभी जैसे मैंने एकदम हाई फ्लेम में रखा है, ऐसे ही इडली को क्या करना है, हाई फ्लेम में आप लोग कुक करना है। जैसे हाई फ्लेम में वो पूरा गर्म से वो ऊपर मैंने स्टीम हो जाएगा, तभी वो इडली अच्छा से फूलता है, सॉफ्ट हो जाता है। आप लोग लो फ्लेम में रख के करेगा तो इडली फूलेगा नहीं। अभी 10 मिनट होने जा रहा है तो हम लोग थोड़ा खोल के देखेंगे कैसे हुआ है इडली कुक हुआ कि नहीं। तो कैसे चेक करना है, आप लोग टूथपिक से, नहीं तो कोई भी फोर्क से आप लोग, मैंने उसको थोड़ा देखिए ऐसे थोड़ा लगा देने से उसमें मैंने इडली का बैटर होगा तो मैंने कुक हुआ नहीं है। तो एकदम क्लीन है उसका मतलब इडली एकदम कुक हो चुका है। ज़्यादा टाइम कुक करने से उसका सेड सब सूख जाता है। तो 10 मिनट का पहले आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। तो निकाल के रखिए और थोड़ा ठंडा होने से हम लोग उसको निकाल देंगे। अभी इडली का वो पूरा ठंडा हुआ नहीं है, हल्का से नीचे गर्म है, फिर भी हम एक मेथड दिखाएंगे। देखो चम्मच में थोड़ा पानी में वो डुबा के वो थोड़ा साइड में थोड़ा पानी होने से वो जल्दी निकल जाता है। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा पानी में चम्मच को डिप करेंगे और उसको साइड से ऐसे निकाल देंगे। तो एकदम पूरा ठंडा होने से आराम से निकल जाता है। थोड़ा हल्का गर्म रहेगा तो देखिए, फिर भी हम लोग निकाल दिया, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली बन चुका है। हम लोग तोड़ के दिखाएंगे कैसे हुआ है। तभी पूरा हम लोग ऐसे निकाल देंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं चम्मच से, हम नाइफ से भी निकाला, ठंडा होने से एकदम तुरंत निकल जाता है। थोड़ा हल्का गर्म है तो आप लोग क्या करना है, थोड़ा पानी में चम्मच को पूरा डुबा के हल्का से, नहीं तो ऊपर सूख जा रहे तो, और तो एक जन बोलता है ऊपर में पूरा ड्राई हो जाता है। तो ज़्यादा आप लोग स्टीम करने से ऐसे होता है, ऐसे निकाल के रखने से आप ऊपर में थोड़ा हल्का सा पानी डाल दीजिए। मैंने पानी डालना नहीं, खाली उसको मैंने पोंछना है, जैसे हल्का सा स्प्रेड करना है उसको ऊपर में, तो सूखेगा नहीं। पूरा इडली निकाल दिया है। अभी आप एक टू आप लोग को तोड़ के दिखाएंगे कैसे वो स्पंजी हुआ है। देखिए एकदम नरम सॉफ्ट इडली बन चुका है। तो आप लोग भी ट्राई कर लीजिए ऐसे बनाने के लिए। ये सब मेथड आप लोग पूरा फॉलो कर दीजिए, आप लोग भी बना सकते एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली। आप लोग को और इसको सफ़ेद कलर आना है तो मेथी अवॉइड कर लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे डोसा कैसे बना। अभी डोसा बनाने के लिए हम बड़ा सा तवा रखा है। अगर गर्म तवा में आप लोग बैटर डाल दीजिए और उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में आप लोग उसको घुमा के डोसा का शेप दे दीजिए। और इसमें क्या करना है, पूरा
फैलाने के बाद में आप लोग उसमें थोड़ा हल्का से वो ड्राई हो जाएगा उसी टाइम में, घी नहीं तो तेल। घी में बनाने से उसको मैंने घी रोस्ट बोलता है, वो बहुत फेमस है, केरला का एक टू डोसा है। तो फिर आप लोग उसमें रिफाइंड ऑयल नहीं तो तिल का तेल, उसी में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो घी नहीं तो आप लोग तिल का तेल सेसमे ऑयल यूज़ कर लीजिए। देखिए एकदम क्रिस्पी डोसा हम लोग ये बैटर से हम लोग बना सकते हैं। तो स्पॉन्जी इडली और क्रिस्पी डोसा, आप लोग अपने सेकंड वाला डोसा भी आप दिखा रहे हैं। अब देखिए कितना पतला हम लोग उसको बना सकते हैं, एकदम पूरे नीचे का हम लोग का तवा का वो कलर हम लोग का एकदम दिखता है, एकदम पेपर जैसे क्रिस्पी डोसा हम लोग इसी में बना सकते हैं। तो अच्छा से उसमें जितना आप लोग ऑयल नहीं तो घी अप्लाई करेंगे उतना क्रिस्पी और कलरफुल डोसा आप लोग को मिलेगा। तो फिर उसमें और एक बात ये है, मैंने लोहा का तवा और नॉनस्टिक का तवा, थोड़ा फ़र्क होता है बनाने में, और सेम बैटर आप लोहा का तवा में बनाने से और थोड़ा उसका ब्राउनिश कलर आ जाता है। तो आप लोग सोचते हैं ये बैटर में मेरा कलर नहीं होता है, ऐसे कुछ बात नहीं है, तो बस उतना ही है। आप लोग जो यूज़ कर रहे तवा भी उसका ये करता है, कलर का मैटर में डिपेंड करता है। तो आप लोग का जो लोहे का तवा में ये बैटर में बनाने से और भी अच्छा क्रिस्पी और कलरफुल हो जाता है। अभी देखिए एकदम पतला पेपर जैसे डोसा बन चुका है। ये मेरा तवा थोड़ा बहुत बड़ा वाला तवा यूज़ किया, आप लोग घर में जो है वही तवा में आप लोग बना सकते हैं। देखिए एकदम आप लोग को फोल्ड करने से पता चलेगा जितना वो पतला हो गया है। तो अच्छा से उसको फोल्ड कर लीजिए आप लोग। मैंने वैराइटीज ऑफ डोसा भी ये बैटर से बना सकते हैं। तो